जॉब ओरिएंटेड जो कोर्स होता है इसमें इस कंटेक्स में अरुणाचल प्रदेश में कितना डिलीट मीट्स हो रहा है, तरकीब नहीं हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है? मैं अपने श्रोताओं को दर्शकों को ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है उसकी स्थिति कैसी है। यहाँ कुल मिलाकर के 61 हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट है जिसमें 31,936 बच्चे पढ़ते हैं और जो लड़कियां हैं वो 14,278 और लड़के जो हैं 17,658 है और जो हमारे लोकल बच्चे हैं ट्राइबल बच्चे हैं वो 23,590 हैं। एक झलक आपको मैं दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी यहाँ 13 है, जो अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे फॉरेस्ट्री कॉलेज पासीघाट है, दाहन में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और एक है यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरनगर में। गवर्नमेंट कॉलेजेस 18 हैं जिसमें जो नैक का एक्रीडेशन है, आईजीजी कॉलेज B++ है और JMC ए ग्रेड है। प्राइवेट डिग्री कॉलेज 8 है जिसमें सेंट क्लेयर कॉलेज जो है ए ग्रेड है। प्राइवेट जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो है 3, एक लॉ कॉलेज है, एक होम्योपैथी कॉलेज है और एक फाइन आर्ट्स कॉलेज है। प्राइवेट BEd कॉलेज 9 है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को छोड़ के उनको लेकर के 10 है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 7 है और प्राइवेट का 1 है। अच्छा, इस तरह से हम देखेंगे कि मेरिट में 1860 बच्चे हैं, 560 लड़के हैं, लड़कियां हैं और 1298 लड़के हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन बताया कि 1682 बच्चे हैं टोटल, लड़कियां 880 हैं और लड़के 802 है। NIT में 178 टोटल लड़के पढ़ते हैं, लड़के भी अव्वल नंबर, हाँ वहाँ लड़कियां ज्यादा हैं और 178 बच्चे NIT में है, वहाँ गर्ल्स 30 है और बच्चे 148 है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है 7882 बच्चों को एजुकेशन देते हैं, इसमें गर्ल्स 2412 और बच्चे जो है 4970 है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 13,299 बच्चे हैं, लड़कियां 6,653 है और बच्चे 6,644 है। अच्छा, प्राइवेट डिग्री कॉलेज जो है वो 8 है जिसमें 3,712 बच्चे हैं और गर्ल्स जो है 1,751 और बॉय जो है 1,961 बच्चे हैं। जो टीचर कॉलेज है उसमें 1,328 टीचर हर साल ट्रेनिंग लेते हैं डाइट में, नहीं डाइट नहीं, अदर देन डाइट, अदर डाइट इज डिफरेंट। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 6 है जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो 538 बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, लड़कियां वहां कम है 105 है, लड़के 433 है। आपको मैं बताऊं कि 61 जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है 31,936 बच्चों में जो रेशियो बनता है हमारा नेशनल एवरेज, हमारा GER का जो विजी सर ने अभी बताया था वो 25.2 है। अच्छा, और ओवरऑल अरुणाचल का हमारा यहाँ 24 है, और मेल जो है GER हमारा 24.63 है और फीमेल का 29.7 हो गया अभी लेटेस्ट में का जो होगा बढ़ गया, उसी में हमने बताया 29.7 का जो है 32.27 है विच इज मच हायर देन नेशनल नेशनल रैंक। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी गोइंग है कर लीजिए। और एक मेडिकल का जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ, एक जो यहाँ MBBS के 79 सीट्स है, BDS 11 है, अलॉटेड जो जो और जो कोर्सेस हैं उसमें 160 है। ये इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है वो 150 है, डिप्लोमा 162 है, डिप्लोमा स्टेट का 830 है जो बहुत ही अच्छा रेशियो है। तो जी सर इस पर बहुत ही जानकारी रखते हैं, एक्सपर्ट हैं और ये बताते हुए तो खुशी होती कि इनके जमाने में ही 6 पॉलिटेक्निक वर्किंग हुए, 12 पॉलिटेक्निक टोटल मिला हम लोगों को, 12 पॉलिटेक्निक, 6 पॉलिटेक्निक इन्होंने वर्किंग करके छोड़ा था। टोटल स्टूडेंट जो अपियर होते हैं हमारे यहाँ 4,155 बच्चे अपियर होते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उसमें से सीट जो अवेलेबल होता है 1,422 होता है। इतने बच्चे जब देश में आपके स्टेट में अगर आपका टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करते हैं मैं समझता हूँ कि वो दूर नहीं, बहुत जो अच्छा हमारे वाला है, बहुत अच्छा। हाँ सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बात बताया। लेकिन मैं हमारे यही स्टेडियम समय कम होने का कारण आप सबसे तो बहुत जानकारी और लेना चाहता था,
जितना दिया उसे तो आप लोग का पास बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा बताया जितना हुआ। फिर भी मैं डॉक्टर बेगी सर से अनुरोध है कि आप जाते जाते हमारा दर्शक स्पेशली यूथ को कुछ मैसेज दीजिए प्लीज इस नर्वस के कारण। अब देखिए जो एजुकेशन का जो हालत है और हमें उसे अच्छा बनाना है, इसके लिए मैं बोलूं कि वो सिर्फ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है या एजुकेशन का लोग है उस पर निर्भर ना करे, सभी स्टेक होल्डर्स उस पर दीजिए, पॉलिसी मेकर्स हो, जितना भी है, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, सबको साथ देना चाहिए, एजुकेशन ठीक होगा। और एजुकेशन ठीक होगा तो सब कुछ एनवायरनमेंट भी ठीक बने, इकोसिस्टम भी ठीक बने। तो इसके साथ मेरा वो सभी से यह दरख्वास्त भी है कि एजुकेशन पर जोर दें, पॉलिसी मेकर से लेके पॉलिसी इम्प्लीमेंटर तक और यदि स्टेक होल्डर तक सभी को उस पर जोर दे, संकल्प ईमानदारी से संकल्प, साउंड पॉलिसी वो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी हो, इस पर जोर दे। और इसके साथ मैं इस वर्ष का उपलब्धि पर मैं आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, यह एक सफल पूर्वक वर्ष हो और सभी का सुख हो, शांति हो, इसका मैं भगवान से कामना करता हूँ। अच्छा, थैंक यू सर, आप तीन स्टूडियो में आया, आपको दूरदर्शन केंद्र की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से अभिनंदन देता हूँ। सर दोस्तों आप